बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नरोत्राम लोढ़ी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि कल अशोक धम्म विजयदशमी है, यानी कि कल सम्राट अशोक की विजयदशमी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसी दिन धम्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया था, और उस दिन से धम्म चक्र दिवस यहाँ मनाया जाता है। और आपको बता दें कि दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस पावन पर्व की आप तमाम ऑडियंस को, जनता को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको एक बड़ी खबर देते हैं कि हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुजन समाज के, दलित समाज के, SC ST समाज के लोग, लाखों लोग नागपुर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और नागपुर में पहुंच चुके हैं, और कल लाखों की संख्या के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि 64वां धम्म चक्र निर्माण होगा। आपको बता दें कि 64 साल उस दिन को हो जाएंगे जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 के अंदर बौद्ध धर्म का यहाँ पर दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर लाखों अनुयायियों के साथ ग्रहण किया था। और उसके बाद से लगातार इस दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है, सम्राट अशोक विजयदशमी मनाई जाती है, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ पर उमड़ते हैं, और बहुत ही भारी मात्रा के अंदर। आपको बता दें कि आज दिन भर वहां पर क्या कुछ हो रहा है, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे हमारे इसी चैनल पर। आपको बता दें कि लगातार, और ये कुछ तस्वीरें आई है नागपुर से जो आप हमारी साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल बहुजन समाज के लाखों की तादाद के अंदर जो लोग हैं वो सम्राट अशोक दशमी के दिन बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। आज से 64 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसी दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो नागपुर की वो पावन धरती थी। आपको बता दें कि वो नागपुर में ही RRS का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन उसी RRS के गढ़ में ताबूत कील ठोकी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और आपको बता दें कि यहीं पर बाबा साहेब अंबेडकर जी के अनुयायी हर साल लाखों की तादाद में एकत्रित होते हैं। नव बौद्ध ग्रहण धर्म भी ग्रहण करने वाले लोगों की भी संख्या काफी भारी तादाद में होती है। और यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी के निर्मित संगठन समता सैनिक दल के द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जाती है, जो कि आने वाले लोगों के लिए, राहगीरों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।